Hello viewers, welcome to our YouTube channel Curative Homeopathy. दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का मकसद क्या है, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2030, होम्योपैथी के जरिए होम्योपैथी को गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचाकर, आम लोगों तक पहुंचाकर, घर-घर तक पहुंचाकर हम हेल्थ फॉर ऑल बाय 2030 का ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत है, आपका कोऑपरेशन की ज़रूरत है। चलिए आज का हम टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है एक आम तकलीफ जिसके वजह से लोग एडमिट हो जाते हैं आईसीसीयू के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर हो जाता है, एक बहुत बड़ा हवा जिसका खड़ा किया गया या डर जाते हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये खौफ की जो इमारत जो खड़ी करके जो लोगों को मतलब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, इतना खर्चा होता है, उसके लिए आम तौर पर हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से इस पर हासिल कर सकते हैं, हम आज के टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है प्लेटलेट्स। हाँ दोस्तों, प्लेटलेट्स गिर जाता है, उसका काउंट कम हो जाता है और हम पैनिक हो जाते हैं, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या उपचार है, होम्योपैथी किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है, किस तरह से ना सिर्फ हेल्प कर सकती है लेकिन अच्छी तरह से हेल्प कर सकती है, किस तरह से आप कॉन्फिडेंस के साथ में आपके प्लेटलेट बढ़ा सकते हैं अगर कोई वजह से प्लेटलेट्स कम होते। बहुत सारी वजूहत हैं उसके लिए, एक वजह नहीं, एक तो हो सकता है कि फैक्ट्री में प्रॉब्लम, प्रोडक्शन के लिए भाई जहाँ पर बनता है प्लेटलेट्स वहाँ पर नहीं हो रहा है। दूसरी बात में कोई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो प्लेटलेट को डिस्ट्रक्ट करती हैं, उसको ख़त्म करती हैं, तो दूसरी वजह ये हो सकती है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि मतलब कि जो स्प्लीन, जो एक जहाँ पे स्टोर हाउस स्प्लीन है जिसका प्लेटलेट्स का, वहाँ पर सब जमा हो जाता है और वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये तीन मुल्कों की वजह। अभी इसके लिए उसकी सबसेट सब जो वजूहत है उसमें बहुत सारी बीमारियाँ जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ल्यूकेमिया हो गया, मायलोप्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर हो गया, या आम तौर पे हमारा डेंगू और हमारी जो मलेरिया और हमारा लेप्टोस्पायरोसिस या इस किस्म की जो बीमारियां हैं जो प्लेटलेट डाउन कर लेता है। ख़ास तौर पे जब एपिडेमिक की जब बातें आती हैं, बीमारी आती हैं, फॉर एग्जांपल डेंगू, तो मैं आपको ये बता चलूं कि डेंगू के अंदर जो एक एपिडेमिक के अंदर जो हवा क्रिएट की जाती है, अरे डेंगू हो गया, तो उसकी वजह से ये होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो डाउन हो जाता है, और जब जब आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो आपके प्लेटलेट्स के ऊपर उसका असर पड़ता है, प्रोडक्शन के ऊपर, इसलिए जो होती है। बहरहाल ये हो गई उसकी वजह। अभी हम क्या कर सकते हैं होम्योपैथी में, क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, पहला होम्योपैथी का खासा ये है कि अलामतों के हिसाब से दवाई दी जाती है उसमें जो अगर पुरानी बीमारी हो या कुछ गंभीर बीमारी हो तो उसके अंदर मतलब केस टेकिंग करके पूरी तफसील के हिसाब से ये सब हमारे क्लिनिक में करते हैं वैसा की जाए। लेकिन आम तौर पर अगर आम पब्लिक तक अगर पहुंचाना है, उसके बेनिफिट पहुंचाना है, तो कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो कि उसकी अलामतें प्लेटलेट्स के गिरने के सिमिलर होते हैं, तो हम अगर वो दवाई देते हैं तो उससे प्लेटलेट्स उभार को बढ़ाना काफ़ी आसानी से हम कर सकते हैं बगैर आईसीयू में एडमिट हुए, बगैर कोई प्लेटलेट लगाए। उन चंद दवाइयों का मैं नाम जिक्र करता हूँ आपको। एक दवाई है उसका नाम है लेकेसिस, LACHESIS। दूसरी दवाई का नाम है क्रोटालस, CROTALUS, क्रोटालस हॉर, HOR। ये जो दो दवाइयाँ जो है अलामतों के हिसाब से अगर छः कुवत में दो बूंद सुबह दो बूंद शाम तक दी जाए कुछ अरसे के लिए, तो आपके प्लेटलेट ग्रो होना शुरू हो सकते हैं अगर वो कोई गंभीर बीमारी में मुबतला नहीं है तो, एक बात। दूसरी एक और दवाई है तीसरी नंबर की जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल नहीं करते, होम्योपैथी के डॉक्टर्स भी नहीं करते और वो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, उसका नाम है रेडियम ब्रोम। रेडियम ब्रोम ये 6 पावर में या 30 पावर में अगर अच्छी होम्योपैथिक डॉक्टर की निगरानी के अंदर आप लिया जाए तो ये बहुत तक के आपके जो मसले जो प्लेटलेट्स के ये कर सकती है। इसके लिए आपको प्लेटलेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको आईसीसी में जाने की जरूरत नहीं है। आप जो इस किस्म से होम्योपैथी के जरिए हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स 2 लाख से ज़्यादा पूरे हमारे हिंदुस्तान में हैं और वो इंस्टीट्यूशन से क्वालिफाइड हैं, इनके ज़रिए आप जाइए, होम्योपैथी का जादू देखिए कि होम्योपैथी क्या है, किस किस्म से काम करती है। यही हमारा मकसद है, हमारे चैनल का भी मकसद यही है कि घर घर हम होम्योपैथी पहुँचाएं, घर घर सेहत पहुँचाएं। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो है आप में अपने जानने वालों में ये चैनल के बारे में आप बात करें, शेयर करें और उनको देखने के लिए सलाह दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल क्यूरेटिव होम्योपैथी को अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें। साथ ही अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और डॉक्टर अनवर अंसारी से सीधे बात करके अपनी बीमारी का इलाज जानने के लिए आप हमारे नंबर पर फोन भी कर सकते हैं।